नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC24 न्यूज। NDA से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कुछ ही क्षण पहले पटना पहुंची। पटना पहुंचने के बाद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उन्होंने आके माल्यार्पण किया। वहीं उनके साथ BJP से बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत BJP बिहार प्रदेश अध्यक्ष, वहीं दूसरी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी मौजूद थे। वहीं तमाम नेता जो हैं BJP के वो मौजूद थे। वहीं माल्यार्पण की तस्वीर जो है वो सामने निकल के आई है। सामने तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से BJP के मंत्री समेत जो कि राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं NDA की, वो मौजूद हैं और माल्यार्पण उन्होंने किया है। वहीं प्रापरंगत तरीके से जिस तरीके से देख सकते हैं तमाम स्वागत जो है वो किया जा रहा है। वहीं तमाम लोग मौजूद हैं और तस्वीर आपके सामने बिरसा मुंडा का ये प्रतिमा है और वहाँ पे बिहार के उप मुख्यमंत्री समेत तमाम जो नेता हैं वो मौजूद है और जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू NDA की तरफ से जिनको उतारा गया है वो भी मौजूद है। वहीं माल्यार्पण उन्होंने किया है। वहीं बता दें आपको कि आज समर्थन जो है वो मांगा जाएगा तमाम विधायक सांसदों से। वहीं कुछ ही क्षण में राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो पटना के मौर्य होटल जाएंगे। वहीं तमाम नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे। वहीं तेजस्वी यादव से भी समर्थन जो है वो मांगा है द्रौपदी मुर्मू ने। तस्वीर आपके सामने है, द्रौपदी मुर्मू हैं और वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री जो हैं तारकिशोर प्रसाद, वहीं रेणु देवी वो भी मौजूद हैं और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात जो है वो होगी। उनसे भी समर्थन जो है वो मांगा जाएगा। NDA के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो हैं वो मांगेंगे समर्थन और तमाम नेता के साथ देख सकते हैं किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू आई हैं पटना। कुछ ही क्षण में मौर्य होटल पहुँचेंगी और मौर्य होटल पहुँचने के बाद तमाम लोगों से बात करेंगी, विधायक हो सांसद हो या फिर तमाम लोगों से समर्थन जो है वो मांगेगी और वोट देने को कहेंगे। फिलहाल तस्वीर देखा आपने किस तरीके से जो कि राष्ट्रपति उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू पटना पहुंची हैं। पटना में बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। तमाम सिक्योरिटी व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से कर ली गई है। तमाम लोगों के साथ द्रौपदी मुर्मू बिरसा मुंडा के प्रतिमा के पास पहुँच कर माल्यार्पण उन्होंने किया है। वहीं तमाम लोगों से बातें होगी, फिर देखना ये होगा क्या कुछ होता है। वहीं बता दें आपको कि 10 बजे टाइमिंग था लेकिन कहीं ना कहीं लेट हो गया और लेट होने के कारण वो पटना लेट से पहुंची हैं। वहीं 12 बजे से लगभग कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट होगा। BJP के तमाम नेता जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं उनका। वहीं तमाम लोगों के साथ द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो पटना पहुंची हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपने देखा किस तरीके से बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।